हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरी सारी व्यूअर फ्रेंड्स को दिल से बताना चाहती हूँ, थैंक यू सो सो मच मुझे और मेरी चैनल को इतना प्यार करने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। स्पेशली मेरी जो लास्ट बैल्कनी मेकओवर वीडियो मैंने रीअपलोड की है, उस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। उस वीडियो में मेरी बहुत सारी फ्रेंड ने मुझे कुछ क्वेश्चंस की है, तो इस वीडियो की एंड में मैं उस सारे क्वेश्चंस की आंसर आपको देने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ही मेरी बैल्कनी रिलेटेड एक वीडियो है। जब से मैंने बैल्कनी में ग्रास मैट लगाई है तब से मैं देख रही हूँ कि जो भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बैल्कनी के फ्लोर में बैठना। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट किया जाए बैल्कनी में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे 3 डिफरेंट स्टाइल में बैल्कनी में फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी बैल्कनी की एक क्विक टूर आपको दे देती हूँ ताकि जो कोई भी फ्रेंड मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको एक ओवरव्यू मिल जाए। जब से मैं मेरी बैल्कनी की मेकओवर की है तब से ये मेरी होम की एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई है। जो कोई भी आते हैं और हम जब अकेले घर पे रहते हैं वीकेंड्स में हस्बैंड के साथ, हम यहाँ पे ही क्वालिटी टाइम्स स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो यही सब दिमाग में रखते हुए मैं आज 3 डिफरेंट टाइप्स की फ्लोर सीटिंग अरेंजमेंट करके आपको दिखाने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। और जो कुछ भी मेरे घर में है बहुत ही बेसिक चीज़ों से मैं ये सीटिंग अरेंजमेंट करने वाली हूँ। इसके लिए मैं अलग से कोई भी चीज़ें परचेस नहीं की है। ये 2 चेयर्स पहले बैल्कनी में रहती थी बट अभी वहाँ पे कोई भी यूज नहीं होने वाली है, इसलिए डाइनिंग एरिया की एक कॉर्नर में एक सेंटर टेबल के साथ एक छोटी सी सिटिंग एरिया मैंने अरेंज की है ताकि ये जो चेयर्स बेकार पड़ी नहीं रहे, यूज हो जाए। तो चलिए पहले सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। मुझे बैल्कनी में आके बुक्स पढ़ना पसंद है, इसलिए मैं पहली जो सीटिंग अरेंजमेंट करने वाली हूँ वो है एक फॉर 1 पर्सन। इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ एक बैल्कनी की कॉर्नर। यहाँ पे मैं पहले रख रही हूँ एक कॉटन का रग। मैं अरेंज करने वाली हूँ एक लो साइड टेबल। इसके लिए मैं रख रही हूँ मोरा। इसके ऊपर रख रही हूँ शुगर केन से बना हुआ एक ट्रे टाइप बास्केट। इसे डेकोरेट करने के लिए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ प्लांटर और एक वुडन बेल गाड़ी टाइप की टॉय। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, इसलिए मैं रख रही हूँ 2-3 बुक्स। और इसके बाद मैं रख रही हूँ एक कोस्टर, उसके ऊपर कॉफ़ी मग। कुशंस के बिना कोई भी सीटिंग एरिया अरेंजमेंट इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं रख रही हूँ एक कुशन। तो ये मेरी जो कॉर्नर, कोजी कॉर्नर फ्लोर सिटिंग एरिया है वो बनके रेडी हो गया है। नाउ दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू एंजॉय माय मी टाइम। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट है परफेक्ट फॉर 2 पीपल। इसके लिए मैं 2 रग आमने सामने प्लेस कर रही हूँ। दोनों रग के बीच में जो खाली एरिया है वहाँ पे एक साइड में मैं रख रही हूँ एक कार्ड शेप छोटी सी स्टूल। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ बुक्स और इसके ऊपर DIY कोस्टर एंड इसके ऊपर छोटी सी ग्लास बॉटल में जेट प्लांट। और इसके साइड में मैं रख रही हूँ मेरी हैंड पेंटेड केटल एंड कैंडल।
और जो कार्ड शेप्ड स्टूल है उसके साइड में फ्लोर के ऊपर रख रही हूँ एक सर्विंग ट्रे और उसके ऊपर दो कप्स। दो रख के ऊपर मैं एक एक करके दो कुशन्स प्लेस कर दूंगी। तो ये मेरी जो सेकेंड टाइप ऑफ फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी रेडी हो चुकी है। नाउ दिस वुड बी अ परफेक्ट प्लेस टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर स्पेशल वन। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट सीटिंग अरेंजमेंट। दिस इज परफेक्ट व्हेन यू हैव गेस्ट इन योर होम। तो इसके लिए मैं प्लेस कर रही हूँ एक बड़ा सा फ्लोर मैट, जिसके साइड में मैं एक साइड टेबल अरेंज करूँगी। इसके ऊपर आराम से दो से तीन लोग बैठ सकते हैं। और इसके साइड में एक लो साइड टेबल अरेंज करने के लिए मैं फिर से रख दूँगी मोरा, और इसके ऊपर जो बास्केट थी शुगर किन की वो रिप्लेस करके रख रही हूँ एक फाइबर की ट्रे। ये मेरी शादी की ट्रे है और इसको डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ रैंडम चीज़ें इसके ऊपर रख रही हूँ, जैसे कि पेंटेड केटल, कैंडल, हैंडमेड कोस्टर, और इसके ऊपर एक हाजमुला की एम्प्टी बॉटल क्लीन करके इसके अंदर वाटर डाल के इसके भीतर मैं रख रही हूँ जेड प्लान प्रोपागेट करने के लिए और थोड़ी बहुत बुक्स। कुछ कुशंस मैं रख रही हूँ मैट के ऊपर ताकि एक कोजी फील आए। माई लास्ट फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट इज रेडी टू। दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। तो चलिए अभी टाइम आ गया है कि मैं मेरी जो बैल्कनी मेकओवर वाली वीडियो की कुछ क्वेश्चंस आई थी उस क्वेश्चंस की आंसर मैं आपको दे दूं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरी बैल्कनी की मेजरमेंट क्या है। तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर से मैं बता देती हूँ मेरी जो बैल्कनी है उसकी जो मेजरमेंट है वो है 6 feet by 10 feet। सेकेंड जो क्वेश्चंस आई थी वो है आपने बैल्कनी की जो बैल्कनी में जो ग्रास मैट लगाई है वो कहाँ से परचेज की है। तो वे भी मैंने वीडियो में मेंशन कर दी थी, तो फिर से मैं बता देती हूँ ये जो ग्रास मैट है ये मैंने ऑनलाइन नहीं परचेस की है, ये मेरी घर के नज़दीक जो इंटीरियर डेकोरेशन का जो शॉप है वहाँ से मैंने परचेस की है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो इसके लिए मैं जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। थर्ड जो क्वेश्चन आई थी वो है आपकी जो कॉस्टिंग क्या है ग्रास मैट की। तो इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो ग्रास मैट है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी में मिलती है। ग्रास की जो साइज है, जो थिकनेस है, इसके हिसाब से प्राइस डिफरेंट डिफरेंट आती है। मैंने जो परचेस की है उसकी जो प्राइस है वो है 70 rupees पर स्क्वायर फीट। तो आपकी जो बैल्कनी है उसकी मेजरमेंट्स के हिसाब से आपको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना कॉस्ट आएगा। और जो क्वेश्चंस आए थे कि आप कैसे इसको मेंटेन करते हो अगर धूल मिट्टी आ जाए, आप कैसे क्लीन करते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इसे ग्लू से परमानेंटली मैट के फ्लोर के साथ नहीं लगाई है, ताकि मैं जब चाहे इसे निकाल के क्लीन कर सकती हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर से झाड़ू लगा सकते हैं, आप चाहे तो घर के लिए जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए जो वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं उस वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैट है इस मैट की नीचे छोटे छोटे होल्स है, अगर आप वाटर से क्लीन करोगे तो नीचे से सारा पानी वॉश आउट हो जाएगा ड्रेन के थ्रू। तो आप चाहे तो वाटर से भी क्लीन कर सकते हो। तो बहुत सारे फ्रेंड ने ये भी क्वेश्चंस की है कि आप बारिश के टाइम में मैट जो है वो गीला नहीं हो जाती है। हाँ, गीला तो हो जाती है, बट नीचे की जो पोर्स है, जो होल्स है, उसके थ्रू पानी ड्रेन आउट हो जाती है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये थी ये सारी क्वेश्चंस।
जिसकी आंसर आई होप आपको मिल गया है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।